मेरा नाम फरजाना बेगम है, अलशरफ कॉलोनी बंडला गोड़ा में से रहने वाली हूँ। मेरे घर में तकलीफ है, मेरे को आज अचानक मेरे पड़ोस में मेरे को नाजायज में कुछ ने बोली गेट पे खटका मार के हमला करें। हमला करने के बाद कोने बल के बाहर निकलने के बाद में मेरे साथ बाजू गुलाम बासी बाजू बासी बोल के है, उन्होंने जो है सो मेरे साथ हमला करके मेरे को फैटा करके पूरे दांतों का चौकड़ा निकाल दिए और जो है सो मैं नीचे गिर पड़ी। जब मेरे फसलियों में मार दिए मेरे को, मेरे दिल में बहुत तकलीफ है, मैं नीचे गिर पड़ी उठी नहीं। तो जब मेरे साथ में एक बच्ची थी, मेरे को चार लड़कियाँ ही थे, मेरी बच्ची आके मेरे को बचाने गए तो उसको भी मारम पीट करके पूरा होठ सूज गया, उसका भी दांत टूट गया बच्ची का। मेरे को बहुत खतरा है इन लोगों से और पूरे मिलकर जब मैं डर के अंदर घुसने लगी तो तलवारा और हथियारों के साथ निकल के लेडीज़ दो लेडीज़ हैं, उनकी जाकिरा बहन है, उनकी और एक बहन है, बाजू पड़ोस में रहते हैं इन्हों उनके भाई है, फिर दो घर के बाद रहते हैं इन्होंने, उतनी दूर से भी नाजायज हमारे साथ ऐसा करे। मेरे घर में मर्दाना नहीं रहते, अपनी मेहनत को उन्होंने चले जाते और हम लड़कियां हैं मेरे, पूरे एमएस करे हुए लड़कियां हैं मेरे। अम्मा मारने की वजह क्या है? मारना कुछ मैं लड़ाई नहीं करी, ना मेरे पास बेटे है ना कोई कुछ है, मैं खामोश घर में अपनी थी, कुछ नहीं, खाली हर हमेशा से ऐसी करते रहते हैं। कोई पुरानी दुश्मनी? कोई दुश्मनी ना, ना मेरे को बेटे नहीं है, मेरे बेटे ना बाहर जाते, मेरे लड़कियां हैं पढ़ाई से आते, बस हम लोग घर में रहते बच्चियां, मैं अपने जिंदगी में बिजी रहती हूँ, ना मैं बाहर भी जाती हूँ। हम लोग जब घर लिए थे इनको, जब से खुसूमत थी जब से जो है बर्दाश्त नहीं कर सके और हम नल का कनेक्शन लिए थे मीठे पानी का, जो हमारी जो है ना हैदराबाद शहर में वो जरूरी चीज होती है हर घर के लिए, उसके बावजूद भी जो है ना हम खामोश बैठ गए और रात को पी लेके आ जाते, पता नहीं कौन से बच्चे टैक्सी प्लेट गाड़ियां ले लेके आते, जमीनों के कुछ किस्से कहानियां होते, क्या होता बहरहाल अल्लाह ही जाने, चार चार पांच पांच पूरी टोली मर्दुए आ जाते, कुछ भी होते कि गंदे गंदे गालियां तलवार और ग्रेनेड जो है ना हमारे घर के गेट पे डाल दिए लोग, पूरे जो है ना मैं जख्मी हो गई, मेरा होठ फूट गया, समझ रहे हो ना आप। और मैं ये जो है ना एक दो बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है ये हमारे साथ और ये नाइंसाफी है। मैं चीफ मिनिस्टर सर और होम मिनिस्टर सर से मैं जो है ना गुजारिश करती हूँ। आपकी पीएस लिमिट कौन सी आती है मैडम जी? आपका पीएस कौन सा लगता है? हम जो है ना चंद्रांगुट्टा पीएस से कंप्लेंट करे हैं इसके बारे में और हम लोग जो है ना ओवेसी हॉस्पिटल पे आए हैं, मेडिकल रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, हमने एक्सरे लिए हैं और इंजेक्शन वगैरह टैबलेट्स वगैरह हमें प्रिस्क्राइब किया गया है, हमने वो भी लिया है। ये आना मतलब क्या? कुछ नहीं, कोई कुछ मकसद नहीं, उन लोगों के दिल में क्या है बस वो अल्लाह मालूम। दादागिरी कर रहे भाई गली में, नहीं रहना उन लोग, क्या बोले रहना, ये अम्मा बहन के गालियां दे लेते हैं। बासित खान है, उस्मान खान है इनका नाम, नादिर खान है, समझ रहे ना, और इन अपने होशों में नहीं थे उस वक्त और शराब पीने के बाद ये वारदात हुआ है। इनका भतीजा जो है नादिर खान जो दुबई से आया है, उसकी कल शादी भी थी सुने ना, उसकी वजह से वो शादी थी, उसके तैयारियां चल रहे, वो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग जो है ना बार बार करने से जो है ना औरत बच्चियों को देख के लोग क्या है अपनी मर्दानगी का जो है ना ये सबूत बताना चाह रहे हैं। अगर हम चाहते तो हम भी कुछ भी ऐसे वैसे बोल सकते थे मगर हम नहीं बोले और जो है ना हमें मार के गिरा देने के बाद हमारे पास जो है ना गेट पे पत्थरबाजी हो गई जो है ना घर के अंदर जो है ना औरतें इनकी जो दो बहने हैं नादिर खान की वालदा है और उनकी खाला है दोनों मिलके जो है ना रॉड जो रहता है ना उस पे मेरी पैर पे जख्म हुआ है जो कि गुप्त मार है और मेरी आंख पे जो नकल डस्टर जो पहन के मारते हैं उस तरीके से लोगों ने हमारे फेस पे जो है ना हिट किया है। आपका घर किधर है? अलशोएब कॉलोनी बंडागुड़ा। ऐसे जब हम घर बनाए थे जब से इनको खुसूमत थी कि हम वो जमीन नहीं लेना, हम वहाँ पे घर नहीं बनाना क्योंकि वो हमारा ओन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी से लीगल प्रोसेस से हमने नल का कनेक्शन लिया था, उनसे भी इनको खुसूमत थी क्योंकि इनकी जो है ना प्रॉपर्टीज वगैरह और अच्छे आ रहे ब्लैक मनी से लोग लेते हैं क्या करते हैं या नोटरी पे होती है इनकी प्रॉपर्टीज पता नहीं। हम लीगल प्रोसेस फॉलो करके हम नल का कनेक्शन लिए और इनके पास हमारे पास औरतें हैं, हम जो है ना नॉर्मल जो है ना एम्प्लॉयज़ है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, हम लोग जॉब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे घराने से, हमारे साथ ऐसा हमारी वालदा जो है सैयद घराने से, बार बार ये होते जा रहा है जुल्म और आके जो है ना बार बार जो है ना धमकियां घर पे खटका मारना, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां, पत्थर उठा के फेंकना, औरतों को जो है ना प्राइवेट पार्ट्स पे इन्होंने मार के ढकल दिया। ओके मैम, मैं अब इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमको इसके लिए जस्टिस चाहिए। मैं लड़कियां वाली हूँ, अच्छा, मैं 50 साल की हूँ, ये बुढ़ी औरत को जो ये फैटा और जरा मेरा दांतों का पूरा हिस्सा चले गया, मम्मी को लिटरली ब्लीडिंग हो रही थी, अपना चेहरा मैंने बताने से हिजाब कर रही हूँ, मेरे मुँह से ब्लीडिंग चालू हो गई। मैं जस्टिस चाह रही हूँ होम मिनिस्टर सर से
कि इनके इनके पास लीगल एक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, क्योंकि हमारी जान को खतरा है, खतरा। आज इन्होंने घर पे मारे, कल घर के अंदर घुस के वो जो तलवार जंबिया उनके हाथ में थी उनसे भी हमें मार, हम डर के अंदर दरवाजा लगा, हमें जो है ना हमारी जान को उतना जुलूम। और जो तलवार थी स्वॉर्ड, वी कॉल इट ए स्वॉर्ड, उससे जंबिया होता है उसी से, और इनके पास पत्थर बड़े बड़े बरसाए हमारे पर। थोड़ी देर में अगर मैं नहीं भागती पत्थर मेरे पे गिरता और मैं लिटरली आज डेड थी, ऑलमोस्ट मेरा इंतकाल हो चुका था आज। और ये छोटी बात नहीं है भाई साहब, मैं आपको आपसे भी गुजारिश करती हूँ, प्लीज फाइट फॉर माय राइट्स। मैं लड़कियां वाली हूं, चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे असदुद्दीन अभी इसी हिसाब से भी मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे को इसका जो है ना जस्टिस चाहिए। ठीक, गुजारिश करती हूँ कि वो ना मदद, क्योंकि हमारे जो है ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब इतनी सोशल सर्विस चैरिटी के लिए मशहूर है, मैं उनसे जो है ना अपना जो है ना ये क्वेश्चन रखती हूँ कि हमारे पास हमारी मुसलमान की कौम में जो ये हो रहा है इसको जल्द से जल्द निकाले, और हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर ये अब हमें पत्थर बरसाए कल के दिन घर के अंदर घुस के हमारा मर्डर भी कर सकते हैं। हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ हम हमारी जगह खाते पीते जो भी है, हम लोग प्राइवेट, वी आर मिडिल क्लास फैमिली, वी आर नॉट रिच किड्स। बस ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, एंड आई वॉन्ट अ लीगल एक्शन ऑन दिस, इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट वॉज अटेम्प्ट टू मर्डर, हमारी जान को खतरा है, बस ये लोगों से हमारी जान को खतरा। थैंक यू सो मच।